फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा। आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी के चैप्टर 2 को लेकर आई हूँ, क्लास 6 के। और इसका अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर फ्रेंड्स इसको देख सकते हैं। जिसको इंग्लिश में वीडियोस देखना है तो वो इंग्लिश के वीडियोस को भी देख सकता है। मैं इंग्लिश की सीरीज़ भी स्टार्ट कर चुकी हूँ और हिंदी की भी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है चैप्टर 2, भोजन के घटक। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हमने उन्हें हम खाते हैं, और भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। तो मानचित्र में तो खैर नहीं किया, लेकिन हम लोग फ्रेंड्स इतना तो जानते हैं कि भारत के विभिन्न जगहों पे विभिन्न प्रकार के भोजन खाए जाते हैं। नॉर्थ साइड में कुछ और टाइप के, और ईस्ट साइड में कुछ और, तो वेस्ट साइड में कुछ और, तो इस टाइप के भोजन के कंपोनेंट्स होते हैं। फ्रेंड्स, एक प्रकार के भोजन में दाल, चपाती और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर, भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली एवं सब्जियाँ हो सकती हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि दाल चपाती वगैरह जो है, ये आप लोग पंजाब में, जैसे कि कह सकते हैं कि उत्तर भारत में इस टाइप के भोजन किए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जो है चावल वगैरह या सांभर की बात करें, या इसके अतिरिक्त अप्पम, मछलियाँ, अप्पम वगैरह की बात करें, तो ये भी क्या है, दक्षिण साइड में, साउथ साइड में ही इस प्रकार के भोजन बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि एक्टिविटी फर्स्ट में दिखाया गया है कि आम तौर पर हमारे आहार में अन्न से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन हो सकता है, मतलब पहले नंबर पर कोई भी अन्न हो सकता है। अन्न के मतलब है जैसे कि रोटी हो गई, चावल हो गया, ये इसमें से कोई चीज़। दूसरे नंबर पर उसमें दाल हो सकती है, या फिर कोई भी मांस से बनी हुई या नॉनवेज हो सकता है। और थर्ड नंबर पे हो सकता है जैसे कि दही हो सकता है, मट्ठा, अचार, तो ये सब अपने भोजन में हम शामिल कर सकते हैं, करते ही हैं। और इस तरह के आहार कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं, जो कि चैप्टर 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन में इसको क्या करना, छाँटने के लिए बोला गया है। तो ये बच्चों के लिए है। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर ये समझना है कि कभी कभी क्या करते हैं कि हम अपने भोजन में वस्तुतः क्या करते हैं, उन सभी मतलब वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। जैसे कि अगर हम कहीं ट्रैवल में गए हों तो हम वही खाते हैं जो हमें रास्ते में मिल जाता है। हम में से कुछ लोगों को यह संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सके। मतलब जैसे कुछ गरीब लोग हैं तो वो डेली इस तरह के मतलब कि फूड नहीं ले सकते हैं। और आहार के विभिन्न पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर के को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न भोजन की आवश्यकता होती है? तो फ्रेंड्स, वो तो होती है। तो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, हम जानते हैं कि प्रत्येक एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बने होते हैं सभी। जैसा कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कच्ची सामग्री थी सोर्स या इंग्रेडिएंट्स जो हम लोग यूज़ करके फिर खाना पकाकर खाते थे, तो जो होते थे प्लांट्स या फिर एनिमल्स से ही मिलके उन्हीं के सोर्स से बनते थे। इन कच्ची सामग्री के संघटक यानी कि कलेक्शन क्या है, इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के कुछ आवश्यक घटक होते हैं और इन्हें हम पोषक पदार्थ कहते हैं। फ्रेंड, जैसे कि हमने आपको अभी सीटेट पर्यावरण की जो सीरीज स्टार्ट की थी, फूड्स की सीरीज, उसमें फ्रेंड्स मैंने डिटेल में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के बारे में और विटामिन मिनरल्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सीटेट पर्यावरण की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं, और बहुत ही उसमें से आपको हेल्प मिल जाएगी। उसमें मैंने काफ़ी डीप में आपको इसके बारे में बताया है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में जो है फाइबर, रुचांश का अर्थ होता है फाइबर, और वाटर का भी क्या होता है, मतलब ये भी शामिल होते हैं। और विभिन्न राज्यों में कुछ अन्य सामान्य भोजनों को किया जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर एक चार्ट देख रहे होंगे, इसमें बनाया गया है, जैसे कि यहाँ पर राज्यों की सूची दी गई है, यहाँ पर अन्य व्यंजन, यहाँ पर दालें और यहाँ पर सब्जियाँ और यहाँ पर अन्य व्यंजन। तो जैसे ये अन्न का व्यंजन और ये अन्य व्यंजन। और जैसे कि पंजाब की बात करें तो पंजाब में अन्न के रूप में लोग मक्के की रोटी का इस्तेमाल करते हैं, और दाल के रूप में राजमा का, और सब्जी के रूप में सरसों के साग का, और दही के रूप मतलब अन्य व्यंजन में, अन्य व्यंजन में दही और घी का। और आंध्र प्रदेश में चावल का यूज़ करते हैं लोग अन्न के रूप में। और उसके अलावा जो है
अरहर की दाल या फिर रसम या चारू जिसको कहते हैं, वहाँ का कुछ मतलब दाल टाइप का या फिर कुछ ऐसा ही भोजन है। सब्जियों के रूप में हम लोग कुंदरू यूज़ करते हैं और अन्य व्यंजन में मट्ठा, घी या अचार। कुंदरू फ्रेंड्स जो है वो परवल के जैसा ही देखने में लगता है, तो उन लोग इसको सब्ज़ी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इसी प्रकार से क्या होता है, कुछ साधारण वीडियो से हम यह भी जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा या एक या अधिक पोषक उपस्थित है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट्स जो होते हैं, अन्य पोषणों के क्या होता है उनका परीक्षण भी कर सकते हैं। जैसे हम पता लगा सकते हैं कि उसमें मतलब कि है या नहीं है, उसमें कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी है या नहीं है, उसमें फैट है या नहीं है, उसमें प्रोटीन है या नहीं है, इसको हम पता कर सकते हैं। जैसे कि इसकी इसको पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स कि जैसे कि हम उसमें आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, इन सबको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स जैसे कि आपने देखा होगा कि वैसे जनरली ये क्या एक्टिविटी में आता है, लेकिन फ्रेंड्स आपको भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, या फिर प्रोटीन है या नहीं है, या वसा है या नहीं। इसको क्या हो सकता है कि इसको करने के लिए हमें लैब की भी ज़रूरत पड़ सकती है या फिर हम खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सावधानी से करना चाहिए इन परीक्षणों को। और इसके लिए मतलब किसी भी प्रकार के रसायनों को खाने या चखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो इसकी हम लोग इसके बारे में पता कैसे लगाते हैं, तो फ्रेंड्स आइए हम लोग देखते हैं। जैसे कि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, कार्बोहाइड्रेट हम जानते हैं कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े होंगे तो उसमें आप पता होगा आपको, वैसे नहीं पढ़े होंगे तो मैं बता दूंगी, आगे चल के उसकी भी वीडियो बना दूंगी। तो उसमें बताया कि कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या होता है कि हमारे भोजन में उपस्थित मंज या शर्करा जो होती है उसको मतलब ग्लूकोज के रूप में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट मतलब कि मंड के रूप में होता, तो ये जो इसमें भोजन में मतलब कार्बोहाइड्रेट है या नहीं उसके उसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, डाइल्यूट, हम लोग डाइल्यूट मतलब विलयन लेते हैं। जैसे कि उसमें नमक की कुछ मात्रा डाल के भोजन में हम यह पता कर सकते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, मंड है या नहीं। तो इससे क्या होता है कि भोजन का जो रंग होता है वो या तो काला हो जाएगा या नीला हो जाएगा। उसमें अगर हम जैसे थोड़ा सा नमक डाल दें तो उससे पता चल जाएगा कि उसमें भोजन में मंड है या नहीं। इसी प्रकार फ्रेंड्स अगर आपको प्रोटीन के बारे में पता करना है कि भोजन में प्रोटीन है या नहीं, तो उसके लिए आपको पहले तो क्या करना पड़ेगा, उस भोजन को प्रोटीन युक्त भोजन को पहले क्या करना पड़ेगा, छोटी छोटी मतलब कि थोड़ी मात्रा को लेकर उसको पीस कर या मसल करके एक चूर्ण के रूप में परख नली में ले लेना होता है। फिर उसमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा जल मिला लीजिए, फिर उसके बाद उसमें कॉपर सल्फेट की 2 बूंदें और 10 बूंदें कास्टिक सोडा। कॉपर सल्फेट मतलब कि फ्रेंड्स CuSO4 कॉपर सल्फेट होता है, और कास्टिक सोडा का मतलब है फ्रेंड्स NaOH। तो इसका हम लोग प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, उसका विलयन बना के उसमें कुछ मिनट तक रख देते परख नली में, और इससे क्या होता है जो जो उसका रंग होता है वो बैंगनी कलर का हो जाता है। जो भोजन का जो रंग होता है मतलब उसमें अगर प्रोटीन है या नहीं इसको पता करने से क्या होता है कि उसका जो रंग होता है वो बैंगनी रंग का हो जाता है, तो इसका मतलब है कि इसमें प्रोटीन की मात्रा क्या है, उपस्थित है। इसी प्रकार से वसा का अगर हमें पता करना है, तो वसा का मतलब आप जानते हैं कि ऑयल मतलब कि कह सकते हैं, तो अब वो है या नहीं तो उसको पता करने के लिए आप कागज़ का एक टुकड़ा ले सकते हैं। जनरली आप देखते होंगे अगर हम लोग किसी कागज़ के टुकड़े में कोई भी ऑयली चीज़ या फिर बिस्किट या नमकीन कुछ भी लपेट दिए तो उसका ऑयल उसमें क्या होता है, आ जाता है। तो उस तरह से क्या करना है, ऐसी वसा ले लेना है और उसको कागज़ के टुकड़े में लपेट कर काफ़ी देर तक उसको कूटना है या फिर उसको उसी में मसलना है और कागज़ उसमें फट ना जाए, और फिर उसके बाद उसमें देख लेते अगर ऑयल होगा तो चिपक जाएगा और नहीं होगा तो नहीं होगा तो उसमें नहीं चिपकेगा, इसका मतलब उसमें वसा नहीं है। इसी प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पर एक चार्ट बनाया गया है जिसमें ये बताया गया है कि जैसे कच्चा आलू है तो उसमें मंड उपस्थित है कि नहीं, तो हाँ उसमें होता है। इसी प्रकार दूध में प्रोटीन होता है तो होता है। उसी प्रकार मूंगफली की बात करें तो उसमें क्या होता है, वसा होता है, फैट होता है। तो ऐसे ही अगर फ्रेंड्स अगर हम पूछे कि एक या एक से मतलब एक भोजन में क्या एक से ज़्यादा पोषक पदार्थ हो सकते हैं, क्या उसमें प्रोटीन भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट भी हो सकता है, तो ये इसका आंसर यस हो सकता है, क्योंकि एक भोजन में क्या हो सकता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट फैट सभी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको इसमें टिक करके बताना होगा हाँ या नहीं करके कि पके हुए चावल में क्या है, प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट या फैट्स, तो ये आपको
करना है, फिल करना है। इसी प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कभी कभी क्या होती है कि भोजन में जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है, तो जल की भी मात्रा होती है हमारे खाने में होती ही है, और इसका भी हम लोग पता लगा सकते हैं। अब इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं कि फैट, प्रोटीन, यमन उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है या नहीं, इसके बारे में हम लोग पता कर सकते हैं। तो हमने तीन पोषक पदार्थों के बारे में जाना, कार्बोहाइड्रेट और उसके अलावा प्रोटीन एंड फैट्स या वसा जिसको कहते हैं। तो इस और इसके अलावा भी कुछ होते हैं जैसे विटामिन हो गए और खनिज लवण यानी मिनरल्स हो गया और अन्य पोषक पदार्थ भी हो सकते हैं हमारे भोजन में। तो इन सभी को हमें क्यों आवश्यकता होती है, तो विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, और वसा से भी ऊर्जा मिलती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की मात्रा मतलब जितना कार्बोहाइड्रेट लिया उतना ही अगर हमने फैट भी लिया तो हमको एनर्जी तो फैट से ज़्यादा मिलेगी, लेकिन फैट को लेने से क्या होता है, मोटापा हो सकता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी मिलती है उससे मोटापा या फिर जिसको हम लोग फैट बोलते हैं वो नहीं होगा, बॉडी में फैट नहीं जमा होगी। तो लेकिन अगर एनर्जी देने वाली अगर हम बात करें कि कौन से पोषक तत्व होते हैं, तो फ्रेंड्स आप एकदम ईजिली बोल सकते हैं कि वसा और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऊर्जा देने वाले भोजन होते हैं। कुछ यहाँ पर उसके स्रोत दिए गए हैं, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूँ। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दो स्रोत दिए गए हैं वसा के, एक ये जंतु स्रोत है इस वाले में, और ये क्या है, पादप स्रोत है। तो पादप स्रोत में मूंगफली, तिल, और इसके अलावा नारियल का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, और जिसको हम लोग बादाम या गिरी बोलते हैं, तो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, उसमें आवश्यक होती हैं, मतलब कि उसमें स्रोत के रूप में प्रेजेंट होती हैं। इसी टाइप से यहाँ पे क्या दिया गया है, पादप सोर्स में ये जैसे जितनी भी नॉनवेज में मतलब ये मछलियाँ हो गई, मांस हो गए, दूध, मक्खन, क्रीम हो गया, घी, अंडे, ये सभी क्या होते हैं, जंतु सोर्स में आते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता क्या होती है कि इसलिए वो ज़रूरी होता है हमारे शरीर को कि शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रखने के लिए होता है, साथ ही टूट फूट मरम्मत वगैरह के लिए भी सहायक होता है। बॉडी में अगर कुछ भी टूट फूट हो जाती है तो उसके लिए प्रोटीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी की वजह से हमारा शरीर फिर से वही नॉर्मल हो जाता है। प्रोटीन को हम लोग शरीरवर्धक भोजन भी कहते हैं। इसके भी कुछ स्रोत दिए गए हैं जैसे यहाँ पे चना, मूंगफली, दाल हो गया, राजमा हो गया, और सोयाबीन। सोयाबीन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, लगभग 43% प्रोटीन पाया जाता है, और आप इसका वीडियो डिटेल में मैं फिर से कहूँगी, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के सीटेट पर्यावरण के फूड्स की वीडियो को देख लीजिए, आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जैसे यहाँ पे प्रोटीन के भी दो स्रोत दिए हैं, जंतु स्रोत और पादप स्रोत। तो जंतु स्रोत में, पादप स्रोत में आपने देख लिया, उसी प्रकार से जो है एनिमल सोर्स का भी दिया हुआ है, जैसे कि मांस हो गए, मछली हो गए, पनीर, अंडे। तो ये सभी क्या है, वसा भी होता है इसमें, प्रोटीन भी होता है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको क्या किया था, बताया था कि दो तरह के हो सकते हैं, मतलब एक खाने में दो से ज़्यादा भी प्रोटीन हो सकते हैं, एक प्रोटीन मतलब एक पोषक तत्व भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसी प्रकार विटामिन क्या करता है, हमारे शरीर की रोगों से क्या करता है, रक्षा करता है। और विटामिन के भी कुछ सोर्स फ्रेंड्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन की के नाम से जाना जाता है। और विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, यानी कि अगर कहा जाए कि पूरा एक समूह जो होता है विटामिन का उसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि विटामिन बी जो होता है वो कई समूहों में होता है, बाकी सभी तो नहीं होते, बट ये होता है। B1, B2, B3, B4 नहीं होता, B5, B6, B7, B8 नहीं होता, फिर B9 और B12 होता है, इसका भी मैंने आपको वीडियो डिटेल में उसमें बनाया है। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ करता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर को सहायता करता है। विभिन्न प्रकार के विटामिनों के यहाँ पे डायग्राम पीछे दिखाए गए हैं। हमारे शरीर में खनिज लवणों की भी आवश्यकता होती है अल्प मात्रा में। इसके अलावा फ्रेंड्स क्या होता है कि शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी
प्रत्येक खनिज आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों का इसमें डायग्राम बनाया गया है, जैसे मिनरल्स का इसमें बनाया गया। आयोडीन के स्रोत की आपको अच्छे से पता होगा। इसकी बात करें तो क्या होता है इसमें, पालक मतलब जितने भी हरी सब्जियाँ होती हैं, अदरक, इसके अलावा जो भी आपको इसमें डायग्राम में दिख रहा होगा वो सभी मछलियाँ हो गई, दही हो गए। फॉस्फोरस की बात करें तो दूध के लिए, और अगर आयरन और अगर लोह तत्व की बात करें तो आयोडीन में अगर हम बात करें तो मतलब कि पालक हो गया और अदरक मछलियाँ वगैरह हो गया। और लौह तत्व की बात करें तो जितने भी आयरन जिससे हमको मिल सकता है, जैसे कि पालक में बहुत ज़्यादा आयरन होता है, इसके अलावा मीट वगैरह भी लेना चाहिए, सेब वगैरह में भी होता है। और कैल्शियम के कुछ स्रोत हैं जैसे दूध, दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, इसके अलावा अंडे वगैरह भी होते हैं। तो हमारे शरीर जैसा हमारा शरीर क्या करता है कि हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है, और विटामिन डी लेना बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। लेकिन आजकल लोग अपनी डेली लाइफ में इतने ज़्यादा मतलब कि भाग दौड़ होने की वजह से लोग उसको ले नहीं पाते हैं, लेकिन उसको लेना बहुत ज़रूरी होता है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और इसके बारे में आपको मतलब कि पता करना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से पोषक पदार्थ इसमें एक से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मतलब सभी चीज़ें प्रेजेंट हो सकती हैं। किसी भी कच्ची सब्जी में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरण के लिए चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को जैसे रेशे यानी फाइबर हो गया और वाटर की भी आवश्यकता होती है। और रेशे जो होते हैं हमारे आहारी रेशे रुच्छांश यानी कि जो फाइबर होते हैं, इन हम लोग इसको मतलब रेशों को हम लोग रुच्छांश या फाइबर के नाम से भी जानते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, रुच्छांश भी कह सकते हैं और फाइबर भी बोल सकते हैं, फाइबर। तो फ्रेंड्स इसको आप देख लीजिएगा, फाइबर भी बोलते हैं। तो इसी टाइप से क्या है कि रुच्छांश मुख्य स्रोत जो होता है इसका साबुत खाद्यान्न, जैसे कि आलू, दाल हो गया, आलू हो गया, ताजे फल, सब्जियां, ये इस सब में क्या होता है कि मतलब रुच्छांश उपस्थित होता है। रुच्छांश यानी फाइबर। फाइबर हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता है, फिर भी हमारे शरीर का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं, खाने का जो होता है ये आयतन बढ़ा देते हैं। रुच्छांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है, जैसे कि जो बिना पचे हुए भोजन होते हैं उनको क्या करता है, बाहर निकाल देता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र हो गया तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह भी हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल हो गया, दूध हो गया, चाय हो गया। इसके अतिरिक्त हम जो भी पचाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग करते हैं, जैसे कि खाना जो हम लोग बनाते हैं पकाते समय उसमें भी पानी डाल देते हैं, तो उसमें भी पानी की मात्रा होती है, लेकिन ऊपर से भी हम लोग पानी लेते हैं अपने भोजन में या फिर डेली लाइफ में। कम से कम तीन से चार लीटर तो पानी पीना ही चाहिए। और कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान कर सकते हैं, क्या कोई अन्य स्रोत भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं फ्रेंड्स? जैसे कि आपने फल खाया तो उसमें भी कुछ ना कुछ मात्रा होती है, लेकिन हमको पानी भी पीना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स एक्टिविटी में दिखाया गया है कि एक टमाटर तथा नींबू कोई एक फल लेना है, उसको छोटे हिस्से में काट लेना है, फिर उसके बाद उसको आप अपने हाथ को उसमें रखेंगे तो देखेंगे कि उसमें भी हाथ आपका गीला हो रहा है। डैट मीन्स कि उसमें भी क्या है, पानी की मात्रा उसमें भी है। और जब भी हमारे घर में किसी फल या सब्ज़ी को हम काटते या छीलते हैं या फिर उसको मसलते हैं तो भी उसमें देखते हैं तो भी उसमें कुछ पानी रहता है। यानी ताज़े फल या सब्ज़ी के बारे में हमने जाना कि उसमें भी पानी, जिसमें पानी की मात्रा होती है और नहीं भी होती है। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में क्या होता है, जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी से हो जाती है। और इसके अतिरिक्त खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल भी डालते हैं। तो फ्रेंड्स वही इसमें बताया गया है, संतुलित आहार जो होता है, पूरे दिन में हम जो कुछ भी खाते हैं उसे हम आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आहार में वह सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व तो ना आवश्यकता से अधिक हमें, ना आवश्यकता से ज़्यादा, ना आवश्यकता से कम हमें लेना चाहिए। और इसकी पर्याप्त मात्रा में हमारे रुच्छांश और जल भी होने चाहिए, यानी उसमें फाइबर और वाटर भी होने चाहिए। इस प्रकार आहार को संतुलित आहार कहते हैं।
और जिस प्रकार जैसे कि आप सोचते होंगे कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है, क्या आप यह भी सोचते हैं कि संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर भी निर्भर करता है? तो होता ही है। और इस तरह से क्या एक लिस्ट बना लीजिए कि आप डेली लाइफ में कितना खाते हैं, क्या खाते हैं, तो आपको पता चलेगा कि उसमें संतुलित आहार है या नहीं। दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे भोजन में होनी चाहिए। इसी प्रकार उचित प्रकार का भोजन ही पर्याप्त जो पर्याप्त मतलब उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं होता, इसके अतिरिक्त तरीके से भी पकाना, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं पकाते समय कुछ पोषक पदार्थ जो होते हैं वो नष्ट भी हो जाते हैं? छिलका उतार कर सब्जियों को खाने से या फलों को धोने से भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें, कुछ विटामिन उसमें क्या होते हैं, आ सकती हैं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को भी बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और खनिज लवण अलग हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है और उसे पचाने में आसानी होती है, और इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और उसे फेंक दिया जाए तो उसमें उपस्थित प्रोटीन और खनिज लवण क्या हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं। और पकाने में विटामिन सी जो होता है वो जैसे ही उसको हम विटामिन करते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। क्या तो इस तरह से हमको क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसको नहीं पकाना चाहिए। और बहुत ज़्यादा मात्रा में जैसे आपको फैट भी नहीं लेना चाहिए, यानी कि फैट में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ फैट युक्त ही चीज़ें खानी चाहिए। पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा वगैरह ये सब नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। जैसे कि इसमें बूझो ने ऐसा किया है, उसने भी क्या किया, वसायुक्त भोजन ही लिया। उसने सोचा यही सर्वोत्तम आहार है क्योंकि इसमें तो ऊर्जा भी होती है, तो उसने क्या किया, सिर्फ केवल वसायुक्त भोजन ही लिया, तो उसका क्या हाल हो गया देख सकते हैं, कितना फैटी हो गया। इसी प्रकार से अभावजन्य रोग, जिसको हम लोग हीनताजन्य रोग भी कहते हैं, एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके क्या हो सकता है, भोजन में किसी भी पोषक विशेष की कमी हो जाती है। यदि हम यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो व्यक्ति अभाव ग्रसित हो जाता है, और उसको एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव होने से क्या होता है, उसका शरीर रोगग्रस्त या विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो भी उसे कुछ रोग हो सकते हैं और उसकी वृद्धि वगैरह रुक अवरुद्ध हो सकती है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही व्यक्ति क्या करता है, आहार में एक लंबे समय तक उसमें नहीं अनुपस्थित है उसके भोजन में, तो भी वह व्यक्ति क्या हो सकता है, बीमार हो सकता है, दुबला पतला हो सकता है, उसी प्रकार उसको हीनताजन का रोग हो सकता है। और इस अध्याय में हमने स्वयं यह जानने की क्या कोशिश की कि कोशिका में या कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों में हमें क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का क्या होता है, सामान्य वितरण होता है। जैसे कि आपने देखा कि पंजाब में जो है साग, सरसों का साग वगैरह इस्तेमाल किया गया, तो वहीं आंध्र प्रदेश में जो थो कुंदरू की सब्जी वगैरह इस्तेमाल की गई, लेकिन पोषक तत्व तो सब में हैं, भले ही उनके खाने की क्या है वेराइटी अलग अलग है, उसमें खाना अलग है लेकिन उसमें सब कुछ है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रोटीन यहाँ पे क्या दिया है, विटामिन का नाम दिया है और उससे होने वाले रोग, उसकी कमी से और उसके लक्षण दिए गए हैं, तो आप इसका फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसी टाइप से यहाँ पर आपको इसमें डिटेल में आपको दिखाया गया है। तो जैसे विटामिन ए की कमी से क्या हो सकता है कि रतौंधी होती है, बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, इसके अलावा स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से, रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से, कैल्शियम की कमी, और कैल्शियम की कमी से क्या हो जाता है कि अस्थियां या दांत जो होते हैं वो ख़राब हो जाती हैं, आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग होता है, लोहे की कमी से अरक्तता हो जाती है। तो इसके कुछ लक्षण भी दिए हैं, अगर आपको इसको देखना है, अच्छे से नोट्स बनाना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी दी गई हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, और चैप्टर 2 यहाँ से फिनिश हो गया है। फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।